वागोर दोणीबाजी स्थान पर लगा मेला। वागोर दोणीबाजी स्थान पर श्रावण मास के द्वितीया पर प्रतिवर्ष यहाँ पर मेला लगता है और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं। बता दें कि जमीन से 4000 फीट की ऊंचाई पर यह स्थान है। यहाँ पर लोग पैदल यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर पैदल जाने के लिए लोगों को 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर घना जंगल होने की वजह से यहाँ पर लोग झुंड के रूप में इस स्थान पर पहुँचते हैं और ऊपर जाने के बाद चारों तरफ हरियाली से आच्छादित पहाड़ियों को देखकर लोगों का मन रोमांचित हो उठता है। साथ ही यहाँ पर प्रतिवर्ष महाप्रसादी का आयोजन किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। आइए अब जानते हैं क्या बोले ग्रामवासी। यहाँ भागवत बाबा जी का मंदिर भी है और यहाँ हमज माता जी का भी है और यहाँ धुनी या नीचे भगत बाबा जी भी है और 700 साल पुराने हैं और यहाँ सबसे पहले बकरा चराने वाले को चमत्कार बताया। भगत बाबा जी अंदर वो जाता था तो बकरी भी अंदर जाती थी, उसको सब सोने का रेट वेट वो सब दिखा था। उसके बाद वो अंदर गया तो उसको बोला बाहर जाके बताना मत, उसने बाहर आके बता दिया तो दरवाजे बंद हो गए। उसके बाद यहाँ बहुत पर्चा हुआ। उसके बाद यहाँ मेला लगता है बहुत बड़ा और सावन के बीच का, और ये 4000 ऊंचाई के ऊपर मंदिर बना हुआ है और बाहर से बहुत श्रद्धालु आते हैं। कम से कम 8-10 किलोमीटर अलांग के आते हैं और आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं है और आने में लोगों को 3-3 घंटा लग जाता है और परेशान होते थे पहले 4-5 साल पहले। अभी हमने बारिश का पानी से पत्थर लगाए और वो पानी रोका है और टैंक बनाए उसी से पानी पीते हैं। नहीं तो यहाँ कोई पानी के कुएँ हैं, नहीं कोई सुविधा है, नहीं लाइट है और लाइट भी एक भाई बंदे ने लगाई है सूर्य लाइट, उसी से काम हो रहा है। यहाँ पे भागवत बाबा जी और हमज माता जी बहुत शानदार मंदिर है और श्रावण के बीच को हर साल बहुत ही भयंकर मेला लगता है। करीबन लगभग 7 से 8 हज़ार पब्लिक हर साल मेले में आती है और महाप्रसाद भी यहाँ पे होता है और भजन संध्या होती है शाम को। करीबन यहाँ पे 4000 मीटर समुद्र तट से ऊंचाई है और मतलब घोड़े आते हैं, मेला लगता है, छोटी मोटी दुकानें लगती है और बहुत ही श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और हर श्रद्धालु की इच्छा भगवान पूरी करते हैं। वागोर दोणीबाजी का स्थान अरावली पर्वत की चोटी पर है और यहाँ पर जाने का रास्ता एक तो गजपुर से है, वर्दर के नाल स्थान से जा सकते हैं और दूसरा आत्मा पंचायत गांव से जाता है और दूसरी तरफ पहाड़ी के दूसरे छोर पर स्थित सुखार से भी रास्ता जाता है। यहाँ पर आने वाले लोग गजपुर, सुखार, रिछेड़ के बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष पहुँचते हैं और यहाँ पर प्रतिवर्ष महाप्रसादी का आयोजन होता है जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामवासी इस स्थान पर पहुँचते हैं। प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर में हुए दुर्लभ मणि के दर्शन। श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मंदिरों में भी विशेष दर्शन और अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की तृतीय पीठ द्वारकाधीश मंदिर में दुर्लभ मणि के अनोखे दर्शन हुए। इन दर्शन को करने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु द्वारकाधीश मंदिर पहुँचे। मंदिर के कार्यवाहक अधिकारी विनीत सनारे ने बताया कि मणि के दर्शन साल में सिर्फ एक बार सावन मास के दूसरे दिन होते हैं। इन दर्शनों का इतिहास प्रभु श्री कृष्ण के गोचरण और वन भ्रमण की क्रीड़ा से हुआ है। बता दें कि साल में एक बार होने वाले मणि जी के दर्शन करने के लिए शहर सहित बाहर से भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु मंदिर पहुँचे। देखिए, जब ठाकुर जी ब्रज से मेवाड़ पधारे थे तभी से ये परंपरा यहाँ पर संचालित हो रही है। द्वारकाधीश प्रभु को सावन के प्रथम दिवस जो मणि धारण करवाई जाती है उसके दर्शन आम श्रद्धालुओं को करवाए जाते हैं। इसके पीछे का भाव यह है कि ठाकुर जी चूंकि पूरे सावन माह में झूले में विराजते हैं, हिंडोलने में विराजते हैं, तो ये हिंडोलने का जो भाव होता है वो जंगल और वन का भाव होता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बगीचे में झूले लगते हैं, वन में झूले लगते हैं, तो वन में जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है। तो मणि से निकलने वाली जो रोशनी होती है उससे कोई भी जो जंगली जानवर है, जीव जंतु है, वो ठाकुर जी के करीब नहीं आता है। इस भाव के तहत ठाकुर जी को ये मणिरत्न धारण करवाया जाता है।
देखिए इस बार जो आनंद है वो द्विगुणित होने वाला है, क्योंकि इस बार अधिक मास भी आने वाला है और सावन माह के में इस बार अधिक मास आ रहा है। तो दो महीने तक ठाकुर जी लगातार नित्य नए दर्शनों में, नित्य नए मनोरथ में विराजित होंगे और आम श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। उसकी शुरुआत आज सावन माह के प्रथम दिवस से हो गई है। अब 18 तारीख तक सावन माह का प्रथम चरण चलेगा, 18 जुलाई से लेकर और 18 सितंबर अगस्त तक अधिक मास होगा और 18 सितंबर से पुनः सावन माह का जो बचे हुए मनोरथ है वो आयोजित होंगे। मंदिर के कार्यवाहक अधिकारी विनीत सनाडी ने बताया कि सावन मास में जब प्रभु श्री कृष्ण वन भ्रमण के लिए जाते हैं तब जंगली जानवरों से बचाव और उन्हें बुरी नज़र से बचाने के लिए दुर्लभ मणि पहनाई जाती हैं, जिसके ओजस्वी प्रकाश के कारण जंगली जानवर और बचरी बलाएं श्री कृष्ण से दूर रहते हैं। इसी क्रीड़ा को जीवंत करते हुए प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर में मणि के दर्शन करवाए जाते हैं। साथ ही वर्ष में एक बार होने वाले मणि जी के दर्शन करने के लिए बाहर से भी कई दर्शनार्थी पहुँचते हैं। साथ ही प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए शहर के बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुँचे, जहाँ पर जयघोष के साथ दर्शन किए।